जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप इस CISF ट्रेड्समैन भर्ती 2019 के अभ्यर्थी हो, जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है यहाँ पर आपकी फिजिकल और ट्रेड टेस्ट 3 जनवरी से यहाँ पे शुरू होने वाले और साथ में सभी के यहाँ पर एडमिट कार्ड नहीं आ पाए क्योंकि दोस्तों अभी तक 26 जनवरी का ही यहाँ पर शेड्यूल है वो यहाँ पर जारी किया गया, मतलब एक लिस्ट और आने वाली है अभी क्योंकि आपका जो फिजिकल है दोस्तों वो मार्च तक यहाँ पर चलने वाला है। तो यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड नहीं आए उनको की 1% भी जरूरत नहीं है, वो अच्छे से तैयारी करें क्योंकि अभी और एडमिट कार्ड आएंगे। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका लिस्ट में नाम है लेकिन एडमिट कार्ड यहां पे डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उनका भी फिजिकल 26 जनवरी के बाद में ही होगा, तभी उनका एडमिट कार्ड अभी तक अपलोड नहीं किया गया। दोस्तों मैं सारी जानकारी आपको स्टूडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। साथ में दोस्तों फिजिकल से रिलेटेड अगर बात करें तो आपकी 1600 मीटर की यहां पर रनिंग होगी जहां पर आपको 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपका चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ के उन राज्यों से बिलोंग करते जो अलग से उनको रिजर्वेशन मिलता है तो वहां के अभ्यर्थियों को यहां पर हाइट और चेस्ट में दोनों में छूट मिलने वाला, साथ में एसटी के जितने अभ्यर्थी है उनको भी हाइट और चेस्ट में छूट मिलने वाली दोस्तों अगर वो आपका एसटी सर्टिफिकेट साथ में लेके जाते हैं तो। अब दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं हम ट्रेड टेस्ट की संपूर्ण जानकारी के बारे में। जी हां दोस्तों, कुक ट्रेड के बारे में इसमें स्पेशली हम बात करने वाले, कुक ट्रेड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ में 2018 का जो ट्रेड टेस्ट हुआ था उसमें क्या क्या करवाया गया, तो साथ में किस प्रकार यहां पर ट्रेड टेस्ट हुआ था, फिजिकल में कितने अभ्यर्थी पास हुए थे, ये सारी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, आप वीडियो के अंत तक दोस्तों जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो लाइक जरूर कर दे। चैनल पर भी दोस्तों आप नए हो तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ में दोस्तों कुक ट्रेड और आपके जो वाटर कैरियर है उसका दोनों का सेम ही यहां पे ट्रेड टेस्ट लिया जाता है, तो संपूर्ण जानकारी हम कुक ट्रेड के बारे में बात करने वाले। तो यहां पर दोस्तों अगर आप फिजिकल क्वालिफाई हो जाते हो क्योंकि फिजिकल के साथ में आपका यहां पे ट्रेड टेस्ट होने वाला है, तो दोस्तों अगर आप फिजिकल क्वालिफाई हो जाते हो यहाँ पे तो आपका ट्रेड टेस्ट भी यहीं उसी सेंटर में उसके दूसरे दिन वहाँ पर होता है। ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाया जाता है तो दोस्तों कुक ट्रेड के बारे में अगर ट्रेड टेस्ट की जानकारी के बारे में हम बात करें, 2018 के ट्रेड टेस्ट की बात करें, साथ में वो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो CISF के द्वारा जारी किया गया कि हम कुक ट्रेड में क्या क्या करवाएंगे, वाशरमैन में क्या करवाएंगे, स्वीपर में क्या करवाएंगे अलग से मैंसन किया गया, वो भी मैं आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको 2018 के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर 2018 का जब आपका जो ट्रेड टेस्ट हुआ था तो दोस्तों उसमें अलग अलग आपके जो अभ्यर्थी है जो फिजिकल क्वालिफाई है उनको यहां पर बुलाया गया, साथ में सुबह उनको अलग से चेस्ट नंबर डिवाइड कर दिया गया, चेस्ट नंबर देके अलग अलग बैच बना दिए गए। और सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों, सबसे पहले अगर कुक के ट्रेड के लिए जा रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या होगा, आपको रोटी बनाना आना चाहिए, यही काम सबसे पहले आपको वहां पर करवाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले कुक के जो ट्रेड टेस्ट है उसमें आपको आटा गूंदना आना चाहिए, साथ में रोटी बनाना आना चाहिए। रोटी बनाना आना चाहिए इससे मतलब नहीं है दोस्तों रोटी आप किस प्रकार बना रहे हो, छोटी रोटी बनानी है आपको, गोल बनानी है, पतली रोटी होनी चाहिए, उसके बाद में आपको सेक के बतानी होगी। तो यहां पर आपको रोटी अगर आप सेक रहे हो तो यहां पर आपको रोटी किस प्रकार आपकी रोटी है वो अच्छे तरीके से कहीं से आपकी जलनी नहीं चाहिए, अगर आप सही तरीके से बना लेते हो तो यहां पर आपको ट्रेड टेस्ट में जो आपका फर्स्ट स्टेप है उसमें आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, जी हाँ दोस्तों अगर इसमें आप फेल हो रहे हो तो आप आगे भी फेल ही हो। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करवाया जाता है, कभी जो ऐसा आपका जो कुक ट्रेड है उसमें आपको सब्जी के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, सब्जी भी आपसे बनवा सकते हैं, कड्डी आपसे बनवा सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या होगा, यहाँ पे सब्जी वेजिटेबल जितनी भी सब्जियाँ हैं वो आपको दे दी जाएगी और वो आपको काटनी होगी। तो यहाँ पर आपको लगभग 2018 की बात करें तो यहाँ पर एक गाजर दी गई, एक आपके जो शिमला मिर्च होती है मोटी वाली वो आपको मिर्च दी गई, साथ में उसके अलावा आपको दोस्तों यहाँ पे टमाटर दिया गया और प्याज दिया गया, तो ये आपको काटना था। तो आप किस प्रकार काट रहे हो ये चीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आप किस प्रकार काट रहे हो, आपकी स्पीड क्या है काटने की, जो जितने भी अगर आप गाजर काट रहे हो तो सभी भाग उसके बराबर होने चाहिए, साथ में मिर्च काट रहे हो तो मिर्च किस प्रकार काट रहे हो, सब्जी में मिर्च डालते हैं तो किस प्रकार डालते हैं हरी मिर्च, तो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। साथ में दोस्तों उसके बाद में आपको सलाद काटना है वो यहाँ पर आना चाहिए, वो भी वहाँ पर करवाया जाता है। तो उसमें
आपको क्या क्या दिया गया 2018 की ट्रेड के बारे में बात करें तो यहाँ पर उसको दिया गया दोस्तों एक प्याज दिया गया, जी हाँ दोस्तों एक टमाटर दिया गया आपके, और एक आपको दिया गया खीरा, जी हाँ दोस्तों खीरा आपको एक दिया गया। तो ये तीन चीज़ यहाँ पर दी गई और इनका सलाद आपको काटना है, किस प्रकार काट रहे हो आप प्याज को, किस प्रकार जो अपशिष्ट है, ज़्यादा प्याज अपशिष्ट नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा बेकार में नहीं जाना चाहिए, तो सही तरीके से उसको काटना, उसके बाद में उसके अलग अलग यहाँ पे जो आपके सलाद बनाते उस तरीके से काटना, और साथ में टमाटर को आप अलग से प्याज सलाद की तरह काटना, साथ में खीरे को काटना और उसको एक प्लेट में सजाना, ये चीज़ यहाँ पर मोस्टली देखी जाती है। उसके बाद में दोस्तों ये भी अगर आप कर लेते हो तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप थोड़ा थोड़ा भी कर लेते हो दोस्तों, सभी में रोटी आप अच्छी तरह बना लेते हो और उसके अलावा आप थोड़ा थोड़ा भी अगर ढंग से कर लेते हो तो भी आपको यहाँ पर जो पास कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे एंट्री होता है, इंटरव्यू में कोई खास चीज़ें नहीं होती, उससे पहले इंटरव्यू में आपको क्या होता है, आपके कमांडेंट साहब है, आपके डिप्टी कमांडेंट है, इंस्पेक्टर साहब है और एक कुक वहाँ पर बैठा होता है और उनके सामने आपका एंट्री होता है, वो आपसे पूछता है कि आपने कहाँ पर काम किया, तो आपको आपने जहाँ कहीं भी काम किया, कोई होटल में किया या कहीं हॉस्टल में काम किया तो उसका बारे में आपको बताना होगा, सर मैंने यहाँ पे काम किया और इतने साल यहाँ पे काम किया। उसके बाद में आपको पूछा जाएगा कि आप क्या क्या बना लेते हो, तो आपको कौन कौन सी सब्जियाँ बना लेते हो, तो आपको 5-7 सब्जियों के नाम तो पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही चीज़ें उनमें पूछ लेंगे कि यह किस प्रकार बनती है। जैसे गोभी टमाटर है आपका, आलू मटर है आपका, गाजर टमाटर है, गाजर मटर है आपका, शाही पनीर है, उसके अलावा आपका मटर पनीर है, कड्डी पकौड़ा है, दाल फ्राई है, ये चीज़ें आपको बतानी होगी और वो आपसे पूछेंगे कि आप जैसे दाल फ्राई बताओ, दाल फ्राई कैसे बनाओगे, तो उसकी विधि आपको बतानी होगी कि सर हम सबसे पहले दाल लेंगे, दाल को अलग से उबाल लेंगे, उसके अलावा हम एक जो अलग से टोकरी लेंगे उसमें आप हम जैसे तेल डालेंगे, तेल के जैसे तेल पक जाता है तो उसके बाद में छोटे छोटे प्याज और छोटे छोटे टमाटर और हरी मिर्च डालेंगे, उसको हम भूनेंगे और वो भूनने के बाद में उसमें मसाले डालेंगे, ये सारी चीज़ें प्रोसेसिंग आपको स्टेप बाय स्टेप उनको बताना होता है। उसके बाद वो ऐसे भी पूछ सकते हैं चावल कितनी प्रकार से बना सकते हो आप, जो आपके जो नींबू के चावल ओनियन होते हैं उसके जो चावल होते हैं राइस, ओनियन राइस है वो आप बना सकते हो क्या, मिर्ची के राइस बना सकते हो क्या आप, मीठे राइस बना सकते हो क्या, मतलब ऐसे ऐसे अलग अलग आपको पूछा जाएगा, तो उनकी प्रोसेसिंग भी आपको बतानी होती है। साथ में आपको जैसे अलग से साउथ जितने भी साउथ के होते हैं दोस्तों, जो साउथ का खान पान है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, आपसे वो भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता था। उसके अलावा आपको मसाले दिखाए जाते हैं अलग से, कई प्रकार के मसाले होते हैं उनके पास में रखे होते हैं अलग अलग आपके, जैसे मिर्ची है आपका, हल्दी है, धनिया, उसके अलावा ये तो रखे होते ही, उसके अलावा 8-10 मसाले रखे होते हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे तेज पत्ता है, कड्डी पत्ता है, काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है, इन चीज़ों को बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर अलग अलग बता देते हो तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ इस अभ्यर्थी को नॉलेज है, इसने कहीं काम किया है, तो यहाँ पर आपको अच्छे नंबर वो दे देगा और आपको क्वालिफाई करने के लिए वो अपनी लिस्ट में नाम लिख लेगा। तो यही मोस्टली करवाया जाता है। उसके बाद में शाम को और सभी अभ्यर्थी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद में रिजल्ट बता दिया जाता है कि कौन अभ्यर्थी पास हुआ ट्रेड में, कौन अभ्यर्थी फेल हुआ, क्योंकि आपके क्वालिफाई नेचर के आधार पर ही दोस्तों यहाँ पे ट्रेड टेस्ट आपका होने वाला। अब मैं आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो सीएसएफ के द्वारा जारी किया गया है, वो भी मैंने ओपन कर लिया, उसमें भी क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बता देता हूँ। उसमें भी यही मेनुअली चीज़ें बताई गई है कि आपको कुकिंग ऑफ चपाती, रोटी पकानी आपको आना चाहिए, साथ में राइस चावल बनाना आपको आना चाहिए, उसके अलावा कुकिंग ऑफ वेजिटेबल जो सब्जियां हैं उसको पकाना आपको आना चाहिए, जैसे दाल है, सांभर है, इडली, दोस्तों इन तीन चीज़ों का आप जरूर पता रखें क्योंकि साउथ के वेज है ये, और इन चीज़ों के बारे में अगर साउथ का कोई ऑफिसर आएगा आपके सामने तो वो जरूर पूछेगा कि आपको दाल बनानी आती है, सांभर बनाना आता है क्या, इडली बनाना आता है, तो इनकी विधि आप एक बार जरूर देख लीजिएगा किस प्रकार ये बनती है। आपको बतानी है, बना के नहीं दिखानी, आपको सिर्फ बतानी है उनको, इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछ सकते हैं। उसके बाद कुकिंग ऑफ मीट बनाना आपको आना चाहिए, वहाँ पे बनवाएंगे नहीं, बहुत ही कम चांसेज है मीट बनवाने का, कई बार बनवा लेते हैं लेकिन बहुत ही कम, आपको विधि आनी चाहिए कि मीट किस प्रकार बनता है, साथ में पीस किस प्रकार बनती है, एक अंडे किस प्रकार बनते हैं और खीर किस प्रकार बनती है, यही मोस्टली तीन चीज़ें यहाँ पर करवाई जाएगी दोस्तों। अगर आप तीन चीज़ें आप कर लेते हो तो यहाँ पर ट्रेड टेस्ट में आपको कोई फेल नहीं करने वाला, आपको ट्रेड टेस्ट में यहाँ पर 110% पास कर दिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो ट्रेड टेस्ट है उसमें यही सब करवाया जाता है। साथ में अगर आप दोस्तों
दोस्तों वाटर कैरियर के अभ्यर्थी हो तो भी दोस्तों इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि कुक और वाटर कैरियर का के जो कैरियर है उसमें सिमिलिटी है, क्योंकि सेम काम उनको करना होता है, तो ट्रेड टेस्ट में भी उनको यही काम करवाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर यही लगभग काम करवाया जाता है। दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी की छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दे दोस्तों। चैनल पर भी आप नए हो तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि दोस्तों हम सीएसएफ ट्रेड्समैन से रिलेटेड कोई भी अपडेट या नोटिस आता है तो दोस्तों उसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।